हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय स्वामी। मस्त सुबह हो गई है और पूजा भी हो गई। डायरेक्ट चलते हैं हम किचन में, क्योंकि मम्मी किचन में इसलिए। और सवेरे सवेरे लाइट भी चली गई है। भविष्य हमारा आ गया है मगर वो सो रहा है। मम्मी जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। शू करता तमे? तारे माटे मग पा खमी गे। दूध ले गाळेलो मुकी दो। ओके। काम कई बता? गोटली बापाने छे ने? हां, ए गोटली बापाने छे आज आपणे। हां, अन के बनावनु छे आज? पापा की तो पापा के पास चलते, उसको पूछ लेते। कल मैं मग बलाना भूल गई थी, इसलिए अभी अभी मग बोल करके खा रहे हूँ मैं। और पापा बैठ गए। पापा जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। कई खाओ ना नवीन मान की मम्मी? नवीन मान तो हमारा मुंह तो खा ली तो पछी हो खा ली तो मुंह धड़े ने कैसे नहीं बस नवीन मां कैसे नहीं तो बना भी है मुंह धड़े तो कई खावा जतो हो तो मैं लाइट थई गई हां ખાલી તો તમે હું નાસ્તો કર્યો મમ્મી? મે મોહનથાળ ભગવાન ભરેલું ખાધું. મોહનથાળ ખાધું છે? કેરી હોત ખાધું. સરસ સરસ. ગુડ ગુડ. તો આજે રજા છે નાસ્તો બનાવવામાં? હા, કઈ બનાવવું નથી. હવે વિશાળ ઉઠે ને કે તો બનાવવાનું બતાવી દે. એ મોહનથાળ ખાઈ લે. હું બાબા ગાંઠિયા મેને પણ લાવી દે. હા, એ કર નાખી કામ ગાંઠિયા. ગાંઠિયા બનાવીને છે. મોહનથાળ બનાવશે. હા, એ તો પપ્પા ગાંઠિયા ઉધાર પાડે. મને બહુ ભાવ ગાંઠિયા. મમ્મી મને પપ્પા ને બેન હરખ ગાવું બા. ખરેખર ગાંઠિયા અમને બહુ ભાવ કાણું નહીં. કોઈ ખબર પછી દાડિયા નાખે ગાંઠિયા ખાઈ. બધી પ્રકારના સ્વાદ આવે. કઈ સ્વાદ નો હોય? પછી તો સાચી વાત છે. વાડીએ રજા ના હમણાં તઈ વાડીએ તો હું કાય આમ બહુ વાપરી દીધું છે. કે કામ છે ને મકાળો ચોકી આવશે છે. ગા વસ થાય છે ઉગી જાય. કામ તો હો જાય. એ વાત સાચી. મંદિરે જાવ કો છો? ના હા જઈએ. સવાર માં બપોર કેડે બબે ટાઈમ આવ ને બે ટાઈમ કથા સાંભળી છે. હા, એ વાત સાચી. સવાર માં કથા હોય? હા, સવાર સવાર માં બે કથા હોય. બે કથા બપોર પછી હોય. ચાર વાગ્યા ને થાક. સવાર માં અત્યારે કથા હોય, પછી આઠ નવ વાગ્યે કથા જમ થાય. જય સ્વામી નારાયણ. તો દેખીએ, યહાં પે એકદમ ઢક હો ગયા હૈ, પૂરા અંધેરા અંધેરા હો ગયા હૈ. बारिश का मौसम हो गया है. अभी से इतनी गर्मी हो रही है कि लगता है अभी बारिश आने वाली है. इतना अंधेरा हो गया है और इतनी गर्मी हो रही है. और अभी तो लाइट भी चली गई है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. देखते हैं कब तक लाइट आएगी. और आपको सबको रेसिपी देनी है गाठिया की, तो देखते लाइट आए तब एक अच्छी बात है, वरना तो किचन में अंधेरा होता है. तो देखते कब गाठिया बनाएंगी, कब आपको रेसिपी देना चाहिए, क्योंकि अभी तो लाइट है नहीं इसलिए. और मेरे लिए मम्मी मग बॉयल कर रही है. आज तो मुमरा भी साथ है और आज मग बॉयल किया है, तो मुमरा और मग खा लूँगी और उसके बाद काम स्टार्ट कर देंगे. और बाद में विशाल को भी मिल लेंगे जब वो फ्रेश हो जाएगा तब. तो चलिए फ्रेंड, मैंने नाश्ता कर लिया है और यहाँ पे हमने गोटलियाँ रख दी है बॉयल करने के लिए, नमक और पानी डालकर. और यहाँ पे मेरे कल के लिए मग मठ और चने भिगोने के लिए रख दिया है, तो कल सवेरे खा पाऊंगी मैं, इसलिए अभी से भिगोना पड़ता है. और अभी तो 8:30 बजे देखिए, और हम काम करके फ्री हो गए है. नहीं मम्मी? हाँ, फ्री थी गया.
દાળ સાફ કરો. આ દાળ મેં કીધું સાફ કરી નાખું ને, બાટલો ભરેલો ત્યાં જોતી હોય ત્યારે પછી આપણે જોયું ન પડે. તો છે ગાંઠિયા ક્યારે બનાવશું? ગાંઠિયા મેં કીધું લાઈટ નથી ને, બપોર પછી હું લાઈટ થી ગોઠલી બફા જાય પછી ગોઠલી કટિંગ કરવા બેસું ને. તો યહાં પે ગોઠલી બોલ હો ગઈ, આપ સબ દેખ સકતે હો. અભી તો ધુમાડા નિકલ રહા હૈ ક્યોંકી અભી હમને નિકાલા ને ઇસલિયે. और मैंने ठंड के लिए रखी है वहाँ पे. और अभी तो मम्मी का कीर्तन ले लेते हैं तब तक गोटली भी ठहर जाए. तो मम्मी का पहला कीर्तन ले लेते हैं. यहाँ पे मम्मी अपने कीर्तन की तैयारी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं. कीर्तन ले लेते हैं, उसके बाद गोटली कटिंग करने के लिए बैठ जाएंगे. उसमें भी मुझे लगता है एक घंटा या पौना घंटा तो लग ही जाएगा गोटली में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना. इसलिए कई दिनों बाद पहली बार हमने ये रूम का दरवाज़ा खोला है. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना तो नहीं मम्मी, आज लाइट वही से और गर्मी बहुत आती थी. दरवाजा खोला पवन सारा इसलिए बैठ गए. गोटली भी ले ली है, बाहर ही बैठे हुए है. पेला रोज उठी ना बेटा फ्री थे टेव वही गयो, कई फ्री हो नहीं खबर. दरवाजा बंद रखता खाटलो त्यार पछी हवा पड़े बंद रोज. गोटली कटिंग कर ली हमने तो एक काथड़ हमारी भरकर रेडी हो गई है. एक घंटा से ऊपर हो गया गोटली कटिंग करने में टाइम निकल गया. और पापा को मैंने भेजा था सब्जी लेने के लिए, तो पापा सब्जी लेकर आ गए. गुवार है, भिंडी है, आलू और लौकी है और काकड़ी भी थी एक, तो मैं खा गई. भूख लगी थी ना इसलिए. और विशाल बोल रहा है दोपहर में उसको दाल चावल थोड़ी सब्जी खाना है. और विशाल को पूछना पड़ेगा सब्जी कौन सी खानी है, क्योंकि उसको खानी होती वही बनाते हैं हम. इसलिए तो चलिए बनाना शुरू कर देते. और पौना 11 बज गए, अब तक लाइट नहीं आई है. पता नहीं कब लाइट आने वाली है. नहीं मम्मी लाइट मुका नकी नहीं बेना में तो रसोई तो टाइम करवी पड़े ना अपने. बदले हमारा नाश्ता करो, थोड़ा थोड़ा बदन भूख लागी जाए. पाछी पाकरी कोई खाती नथी. तो हलवा गोटली पोड़े कर दई, पेपर में नाखशो ना चिकनी थई जाए पछी भेगी रही ने, तो नकर हुकाय नहीं पाछी. हां वांदो चलो चलो. वीराली बेन लोड बांधे छे वा छे? हां 2 महीना पछी लोड बांधी जाओ. એટલે આજે રસોઈ બનાવી છે અને અહીંયા કુકર માં દાળ મૂકી છે. નકર તો સગડી જ વાપરવાની હોય ગેસ, તો રોટલી જ કરવાની હોય ગેસે. તો દાળ માં બટેકા બાફા મૂકી દીધા છે, એટલે બટેકા નું શાક રોટલી દાળ ભાત. તમે કદાચ કોણ આવવાનું છે નહીં ખબર? નહીં તમે ખબર નહીં, મારા પર ફોન આવ્યો તો કિંજલ નો કેમ આવવાનું નથી કેમ બપોર પછી કેમ થોડુંક ફરાઈ જાય ને કે થોડું કામ ને પતી જાય ને કે સારું આવો. મેં તો એને અમરેલી નું હટાણું છે એટલે આવું જ પડે. યસ આવું જ પડે, મને તો હાલે નહીં કયા. મેં રોટી કાટા ભી ગુંદો રેડી કરી લીયા હે ઓર દાળ કમ જાય ઉસકે બાદ દાળ ઓર આલુ કી સબ્જી બનાયેંગે. और रोटी तो मम्मी बनाने वाले हैं, उसमें तो कोई चलेगा नहीं. क्योंकि रोटी मम्मी बनाते हैं इसलिए दाल और सब्जी मुझे बनाना होता है ना इसलिए. ये तो शाक में दाल बनाई थी, रोटली बना लो रसोई पूरी आपड़े. यस यहाँ पे मम्मी ने रोटी बनाना शुरू कर दिया है. यहाँ पे रोटली फूल रही है, मम्मी की फुलका रोटी बन रही है. मम्मी की रोटी बची है, यहाँ पे थोड़ा काटा है और यहाँ पे आलू बोल होगी, इसके छिलके निकाल कर कटिंग करना है. बाद में आलू की सब्जी बघारना है. तब तक यहाँ पे मैंने साइड में रख दिया है दाल को उबालने के लिए. तो यहाँ पे दाल धीमी आंच पे उबल रही है और यहाँ पे चावल भी पक गए हैं. तो दाल उबलती है तब तक मैं आलू कटिंग कर लेती हूँ, बाद में आलू की सब्जी वगैरह कर लेंगे. तो यहाँ पे आलू की सब्जी बन गई है, एकदम मस्त ग्रेवी वाली बनाई है मैंने. और यहाँ पे दाल भी बन गई है, तो यहाँ पे दाल उबल रही है. अभी बन गई है तो सब्जी उबल ही कर देती हूँ. और यहाँ पे मैंने बघार का थाल भी रेडी कर दिया है, रोटी सब्जी दाल चावल. तो चलिए बगल को थाल धो के आती हूँ और बाद में सब लोग खाने के लिए बैठ जाएंगे. फ्रेंड बज जाए 4:15 और सब घर पे जग गए, सब ने आराम कर लिया. क्योंकि सबको ऐसा लगा था अब किंजल आने वाली है, सबको लगा अब आएगी अब आएगी, तो अभी तो आए नहीं है. और ये पापा ने भी काम शुरू कर दिया है, पौधे को पानी डाल रहे हैं. पानी जो है पापा में फूल तो जो आए हुआ बार कितलू फूल है आमा घटे नहीं
હવાર લાગતો વરસાદ બહુ હશે, વરસાદ બધો વયો ગયો હાવ, વાદળા બધા વયા ગયા. આ ગાય ફટી પડી હાવ હે ને, ચારક તો થાય ને, ઉદળક તો હાચું પડે, ધોધમાર વરસાદ પડશે. ધોધમાર પવન પડ્યો, ધડકો પડ્યો, તઈ ધોધમાર. अभी भी बादल तो है आकाश में, देखते हैं वापस कैसा मौसम होता है. तो कोई नहीं, चलिए अब मैं फ्री हो गई हूँ, वीडियो एडिट कर रही थी मम्मी कार मेरा, वीडियो एडिट हो गया है तो टाइम है मेरे पास. वो किंजल अब तक आए नहीं है तो फटाफट से मैं वर्कआउट कर लेती हूँ और बाद में वो लोग आएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा इसलिए. और देखते हैं टाइम बचेगा तो आप सबको रेसिपी दे पाएंगे तो देंगे आज, वरना कल रेसिपी देंगे गाठिया की. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. पौने पाँच बजे है और मैंने वर्कआउट कर लिया है. अभी भी किंजल नहीं आया है, पता नहीं कब आने वाली. मम्मी को पूछ लेते, चलो यहाँ पे मम्मी बैठ गए. मम्मी ने इसको कॉल लगाया था. मम्मी बोलो क्या रहा किंजल ने कहता था. तुम क्या फोन कह रहे हो तो चार की दू तू चार. ओके रास्ते में होगी. अब अभी मम्मी वाइट कर रहे. ओह हमारे विशु भी आ गया. हेलो विशु, गुड आफ्टरनून. पायल के साथ घूमने गया था. आ गए वापस. कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत अच्छी. बहुत अच्छी रही ना. कोई बात नहीं, चलिए. तबियत पानी ठीक है ना? ठीक है चलो. यहाँ पे मुंगेरे मेहमान हमारे आ गए हैं. कब से किंजल हम राह देख रहे थे, चार बजे से हम राह देख रहे थे. एक बजे से वेट कर रही थी. यस, बाद में सो गए, वापस हम चार बजे जग गए कि अब आए अब आए. तो मम्मी बोले हाँ थक गई होगी. यस यस, इसलिए वो मैंने फेरे किंजल देने. बहुत कलर बहुत अच्छा लगता है तुझे, उसमें तुम्हारा चेहरा एकदम खिलकर बाहर आ रहा है. ऐसा ऐसा होता है. यार बोलने वाले थे तुम गोरी हो गई. आरु आरु બોટલ. હવે સમજાણી છે. જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છે? અરે મજા મજા. ક્યાં બોલો બોલો. તો યહાં પે કિન્નર મેડમ બેઠ ગઈ, ઉસકો ભૂખ લગ ગઈ થી. મમ્મી કે ઘર પે જબ ભી આતે ના તો ભૂખ લગ જાતે હૈ. એસા હૈ. મગજ કી લાડુ ભી ખાતે ના સા ટેસ્ટ આયા હૈ. આપકો કૈસા લગા? કણીદાર હૈ. કણીદાર કણીદાર હૈ ના, વૈસા હી હૈ. મસ્ત હૈ. કિસે લતપત? મમ્મી ને બનાયા, મેને નહીં બનાયા. હમારે કારીગર મમ્મી હૈ હમારે. હે એટલે મંદિર માં ખા. હા પ્રસાદ લાગે. પ્રસાદ લાગે. હા તને કેવો લાગે? તે ખાતો તન કા મોહન દા? સવારે જ ખાતો. ખાધા પછી આપડા વિચારો શુદ્ધ બને, એટલો ફાયદો કરે. હા એ તો છે. અમૃત સમાન થઈ જાય. કારણ કે ભગવાન નું નામ જપતા હોય ને બનતું હોય એટલે ફેર તો પડે જ ને. દેખાય નહીં પણ ફરક બહુ પડે. ફરક પડે. જય સ્વામિનારાયણ. આવી ગયા મંદિર મહેમાન? ક્યાંથી આપડી ઘરે? બે ત્રણ ગામ માં ગયું ત્યાં થી મેળો લગાવી આવે. ચલાલા સાથે મેળ આવે તો રૂપિયા થી રૂપિયા નથી. કઈ બાર તો બધે એમ જ હોય. તુમકો જો મન હો રહા થા ને વો આજ ખાના બન રહા હૈ. और मैंने बाहर का खाया ना दो दिन का, मैंने और घर से जो है अब ऐसा ही खाना है मुझे. यस यस, बाहर मजा नहीं आता. वो मजा है मतलब वो याद करता था ना. बहन मम्मी ने बोला ना पायल ने याद करता. हां पायल ने भी याद करता. तो बस ही वो पायल याद करे. આ રલો બનાવવા મળી ભીંડા નું શાક ને મમ્મી હાથે રોટલા મારા નું શાક. રેડી રેડી. વિશાલ છાશું ખાવાનું છે? તો ભાન ખાઈ છે ને ઘણું ભાવ વિશાલ ને. ચલો બનાવી. મેં મરચા ફ્રાય કરી લીધા, ઉપર
मेथी चेक कर उसका पाउडर डाला है और नमक डाला है और यहाँ पे भिंडी की सब्जी पक रही है, सीमिया पे मैं पका रही हूँ और किंजल जीजा को पति न गए, कुछ काम था बाहर इसलिए वहाँ पे गए है और यहाँ पे आरू को मेरे पास छोड़ कर गए है। यहाँ पे आरू बैठ गए, मोहन था खा रहे। आरू क्यों लेगू मस्त लेगू મમ્મી સ્પેશિયલ મારા માટે રોટલો બનાવશે ત્યારે વેલો, કારણ કે બીજી લોકો બધાને મોઢું ખાવું નહીં મમ્મી, એટલે કદાચ રોટલો બનાવશે ને ત્યારે ખાલી ભગવાન દરી નું ખાઈ લે। तो यहाँ पे सब्जी बन गई है और मजा भी फ्राई हो गया है और यहाँ पे रोटला भी बन गया है मेरे लिए। तो भगवान को थाल रेडी कर लेती हूँ, भगवान को धर कर बाद में मैं खा लेती हूँ और बाद में जब वो लोग आएंगे तब मैं गर्मा गर्म रोटला बनाएंगे। गर्मा गर्म रोटला और भिंडी की सब्जी खाना खा लिया भगवान को धर के और मैं आगे होटल से ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे मस्त ठंडा ठंडा पवन चल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे कोणार्क का मंदिर है तो वहाँ पे आरती हो रही है शाम की। और यहाँ पे हमारी आरू भी आ गई है यहाँ पे साथ में खेलने के लिए। आरू मजा आवे छे बटू आया मजा आवे छे मजा आवे छे। यहाँ पे मैं रुकती हूँ थोड़ी देर, योग करूंगी और जब घर पे आ जाएंगे तब जाऊंगी नीचे और सबको खाने के लिए बैठा दूंगी मैं। तो चले फिर यहाँ पे बजे 8 और सब लोग यहाँ पे किचन में खाने के लिए बैठ गए है। मैंने तो खाना खा लिया था 7 बजे ही। और वीडियो को बाय करती हूँ, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय।